नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम हरियाणा में मौजूद हैं और यहां पे हम ये बीजेआरडी स्कूल आपके सामने है, बीआरडीएम स्कूल जो है आपके सामने है। इस स्कूल में हमने प्रिंसिपल सर से मुलाकात करी और बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स मिला। और मई जो है थर्ड वीक के अंदर यहाँ पर हम सेमिनार करने वाले हैं पेरेंट्स का, बच्चों का, क्योंकि प्रिंसिपल साहब बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आने चाहिए। और इस सारी चीज़ का जो जो क्रेडिट जाता है हम कहेंगे, वो अमरप्रीत जी साहब और जो है जस प्रताप जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो है लोकल लेवल पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं माइक जो है सीधा जस प्रताप जी के हाथ में देता हूँ कि वो अपना अनुभव शेयर करें कि स्कूल प्रिंसिपल सर ने दिया कैसे टाइम और क्या उनका फीलिंग था, क्या सिस्टम था आज का इस माहौल के अंदर जब कोविड इतना फैल रहा है, इतने चैलेंजेस है, तो ऐसे में कैसे मुलाकात हुई जरूर बताएंगे। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਮ 360 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ BRDM ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿਜਕ ਜੀ ਸੀ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਡੈਮੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਫਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਡਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ BRDM ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। सभी को नमस्कार। फ्रेंचाइजी सपोर्ट की इस कड़ी में आज हम लोग आ पहुंचे हैं हरियाणा में। हमारे साथ में मौजूद हैं जस प्रताप जी और अमरप्रीत जी, इनके जो फादर हैं, और इनके सपोर्ट के लिए हम लोग स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने के लिए, ताकि स्कूल के अंदर सेमिनार की डेट हमें मिल सके, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर आए हैं। पहले इन्होंने थोड़ा सा डेट वगैरह ले रखी थी, लेकिन हमें अप्रोच किया, बताया, क्योंकि हम लोग राजस्थान जयपुर से हैं, आप लोग जानते हैं, तो हम लोग राजस्थान से यहाँ पर आए, लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो कोविड टेस्ट कराना मस्त था, तो हम लोग कोविड टेस्ट जो है वो करा के, आप वीडियो में भी देख पाएंगे, कराने के बाद यहाँ पर हम लोग निकले और रात को 1:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे। और जो होटल है, जो सर के जो है हो गया था होटल, इनकी तरफ से जो इन्होंने कर रखा था, ताकि हम लोग यहाँ पर आके रुक सकें। फिर सुबह हम लोग यहाँ स्कूल में आए और यहाँ पे हम मुलाकात की और प्रिंसिपल सर से जो बातचीत हुई, उनके जो भी प्रश्न थे, जो भी जिज्ञासा थी, वो यहाँ पे क्लियर हो पाई। और जो लास्ट में जो फाइनल जो चीज़ है वो ये जस्ट ऑफ द जो स्टोरी यहाँ की बात जो रही है वो ये है कि हमें थर्ड वीक में मई की जो है यहाँ सेमिनार करने के लिए डेट मिली है। उसमें पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, स्कूल स्टाफ भी होगा, प्रिंसिपल खुद मौजूद होंगे। और यहाँ पे सेमिनार करने के बाद में जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जैसा आज तक रहा है, तो आशा करते हैं यहाँ भी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को सीखने के लिए जो है भागीदारी अपनी दिखाएंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये स्कूल है जो बहुत बढ़िया लगी मुझे, पहला स्कूल देखा जिसने कहा कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। एक यूनिक कंसेप्ट है। प्रिंसिपल साहब को मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। हर पेरेंट्स की चिंता रहती है कि स्कूल फीस देने के बाद ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। इनको कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा माहौल करते हैं और टीचर्स को गाइड करते हैं, ज़रूरत नहीं है। बहुत शानदार स्कूल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उसके, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारा कोर्स भी ज्वाइन करवाएं स्कूल के अंदर, तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। बिल्कुल, सर तो खुद वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं और उन्होंने जब इस स्कूल के लिए ये चीज़ अनुभव की है या ये चीज़ फील की है, तो वाकई मैं भी ये कहूँगा, मैंने भी फील किया है कि यहाँ पे स्कूल का माहौल बहुत ही यूनिक है, यहाँ का कंसेप्ट बहुत पॉजिटिव है। और मैं एक लाइन अभी कहना चाहूँगा कि आप भी कर लीजिए विचार, आपके वहाँ कब रखना है सेमिनार, तो इस चीज़ के लिए आप भी तैयार रहिए, आप भी तैयार रहिए कि कब आपके वहाँ सेमिनार करना है। आप स्कूल की झलक भी देख सकते हैं जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं। तो ये स्कूल है BRDM पब्लिक स्कूल, बहुत शानदार स्कूल है। यहाँ के रूम भी AC है और AC क्लासरूम में। इसी के साथ मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।
तो मैं इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने पेशेंस से सुना। और देखो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज है, रोबोटिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बेकर्स वैदिक मैथ्स, तो उसी से दिख रहा है कि स्कूल कितना आगे का सोच रखती है बच्चों के बेटरमेंट के लिए, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे को मौका दिया, और इसके लिए हम बहुत बहुत टीम 360 जो है सब हम सभी बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। और उसी के साथ मैं जो है अपने शब्दों को विराम देता हूँ, वापस आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।